थेरेपी एक एंशिएंट, एक कदीम टेक्निक है जिसमें वाइब्रेशंस के थ्रू आपके फिजिकल और इमोशनल एलिमेंट्स या ब्लॉकेजेस जो हैं उनको रिलीज किया जाता है। ये प्रैक्टिस सिर्फ आपको हेल्प करती है आपका एंजाइटी और स्ट्रेस से डील करने के लिए भी, एंड जस्ट लेट यू रिलैक्स फिजिकली एंड मेंटली। सो जब हम सिंगिंग पोल्स को स्ट्राइक करते हैं तो उनसे एक वाइब्रेशन जनरेट होती है और ये वाइब्रेशन आपकी बॉडी और ब्रेन में जो है ट्रैवल करती है। और एज वी ऑल नो कि हमारी बॉडी में 70% से ज़्यादा पानी की क्वांटिटी होती है और साउंड पानी में 5 times फास्टर जो है ट्रैवल करता है। तो इसी तरह जब जैसे ही हम लोग बॉल्स अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं या इवन अपनी बॉडी के करीब उनको स्ट्राइक करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो वाइब्रेशंस फील करती है बाकायदा, और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट जब होता है जब आप जो वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं वो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं। जब हम मेडिटेशन इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन और स्टिल रहना काफ़ी मुश्किल लगता है हमें, तो साउंड हीलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो एक मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाता है विद द हेल्प ऑफ साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। जहाँ तक हमारी फिजिकल एक्टिविटी कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से कम हुई है, एट द सेम टाइम हमारी मेंटल एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन है, बहुत तरह के थॉट्स आ रहे हैं, फ्यूचर थॉट्स के आगे क्या होगा करियर के हवाले से, मे बी रिलेशनशिप्स आपके जो है फ्यूचर प्लान्स जो भी आपके थे वो अनसर्टन हो गए, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। इन दिस करंट सिचुएशन हम लोग इन पर्सन साउंड हीलिंग ट्रीटमेंट्स तो नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम ऑनलाइन साउंड हीलिंग सेशंस या साउंड मेडिटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसकी वजह ये है कि साउंड सिंगिंग बोल से जनरेट हुई हुई साउंड्स खुद ही काफ़ी ज़्यादा जो है सूदिंग और कामिंग होती हैं, जो कि आपको हेल्प करती हैं फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होने में।